हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको हाउ आर यू की रिप्लाई बताऊंगी। वैसे तो आमतौर पर हाउ आर यू की रिप्लाई में आई एम फाइन या आई एम वेल इस तरह से बोल दिया जाता है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग रिप्लाई बताऊंगी जो थोड़े से सरकास्टिक भी होंगे और जिससे आपकी बात कंटिन्यू रहेगी, आपकी कन्वर्सेशन में यानी बातचीत में इंटरेस्ट क्रिएट होगा। अगर आप हाउ आर यू के रिप्लाई में आई एम फाइन नहीं बोलना चाहते हैं, यानी कहने का मतलब ये है सिंपल आंसर नहीं देना चाहते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बोलना चाहते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट रिप्लाई में आप कह सकते हैं, जैसे अगर आपको किसी ने पूछा हाउ आर यू यानी आप कैसे हैं, तो आप कह सकते हैं समवेयर बिटवीन बेटर एंड बेस्ट। कहने का मतलब ये है कहीं बेहतर और जो बेस्ट है सर्वोत्तम है उसके बीच। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ना तो आप बहुत अच्छे हैं बेस्ट हैं और ना ही आप बहुत ख़राब हैं, यानी आप फाइन हैं, बीच में हैं, ठीक हैं आप। तो आप डायरेक्ट आई एम फाइन ना बोलकर आप इस तरह से बोल सकते हैं समवेयर बिटवीन बेटर एंड बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिप्लाई है बेटर नाउ दैट यू आस्क्ड, यानी आपके पूछने पर बेहतर हूँ। कहने का मतलब ये है कि पहले अच्छी नहीं थी, लेकिन जैसे ही आपने पूछा मैं अच्छा फील कर रही हूँ। इस रिप्लाई में आप उस बंदे को एक वैल्यू दे रहे हैं जिसने आपको पूछा है, जो आपका हालचाल पूछ रहा है आप उनको वैल्यू कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही वो आपसे बात करते हैं आपको अच्छा फील होता है। नेक्स्ट रिप्लाई है मच बेटर नाउ दैट यू आर हेयर, यानी आपके होने से काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ। जब आपसे कोई फेस टू फेस हालचाल पूछता है तब आप इस तरह का रिप्लाई दे सकते हैं। अगला देखते हैं, नेक्स्ट इज़ डू यू रियली केयर, मतलब क्या तुम सच में केयर करते हो, सच में मेरी देखभाल करते हो। जब आपसे कोई आपका हालचाल पूछता है तो या तो उसको आपकी फ़िक्र होती है या आपकी केयर करता है, कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। तब आप यहाँ पर हाउ आर यू का सीधा जवाब ना देकर उसी बंदे से ये सवाल कर सकते हैं क्या तुम सच में केयर करते हो। तो इस तरह से आप आई एम फाइन बोलने की जगह सरकास्टिक रिप्लाई कर सकते हैं। अगला देखते हैं, नेक्स्ट इज़ आई एम फाइन अंटिल यू आस्क्ड, यानी जब तक तुमने नहीं पूछा था मैं ठीक थी। कहने का मतलब ये तुम्हारे पूछने के बाद अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट रिप्लाई देखते हैं, आप कह सकते हैं आई डोंट नो यू टेल मी हाउ एम आई राइट नाउ, इसका मतलब होता है मुझे नहीं पता तुम बताओ अब मैं कैसी हूँ। कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि हमें नहीं पता होता है कि हमें क्या रिप्लाई करना है, या हमें अपने बारे में नहीं पता होता है, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, या हमें इतना भी नहीं पता होता है कि हमारा हाल क्या है, तब आप इस तरह का रिप्लाई दे सकते हैं। या वो बंदा आपका हाल पूछ रहा है जो सबसे ज़्यादा आपकी केयर करता है, आपसे ज़्यादा उसे पता होता है कि आप कैसे हैं, तब आप इस तरह का रिप्लाई दे सकते हैं। अगला देखते हैं, व्हाट डू यू वांट, अगर आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू तो आप कह सकते हैं व्हाट डू यू वांट, यानी तुम क्या चाहते हो। ये एक सरकास्टिक रिप्लाई भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई बंदा आपको परेशान करता है और वही आपका हाल पूछ रहा है तो आप उसको इस तरह से रिप्लाई दे सकते हैं। या जो आपसे हाल पूछ रहा है आपका, उससे आप नाराज़ हैं या गुस्से में हैं, गुस्सा दिखाना चाहते हैं, तब भी आप इस तरह का रिप्लाई दे सकते हैं। अगला देखते हैं, कांट कंप्लेन नोबडी लिसन एनी वे, इसका मतलब होता है कोई शिकायत नहीं कर सकता या कर सकती, कोई नहीं सुनता। एनी वे मतलब छोड़ो, मतलब रहने दो, इसको आगे मत बढ़ाओ, आगे बात बढ़ाओ, इस तरह से आप रिप्लाई दे सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तब भी आप इस तरह का रिप्लाई दे सकते हैं। या जिसने आपका हाल पूछा है वो आपकी केयर नहीं करता है, कभी पूछता नहीं आपको, तब आप इस तरह का रिप्लाई उनको दे सकते हैं। यहाँ पे नोबडी लिसन्स का मतलब होता है आप उन्हें ये बता रहे हैं कि वो आपकी केयर नहीं करते हैं, तो आप इनडायरेक्टली उनको इस तरह से बोल रहे हैं। नेक्स्ट रिप्लाई देखते हैं, फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली सोशल इकोनॉमिकली फाइनेंशली आई एम नॉट श्योर हाउ टू आंसर दैट, इसका मतलब ये होता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं कैसे बताऊं मैं फ़िज़िकली कैसी हूं, मैं मेंटली कैसी हूं, मैं स्पिरिचुअली कैसी हूं, या मैं सोशल इकोनॉमिकली कैसी हूं, या फाइनेंशियली कैसी हूं। यहाँ पर हाउ आर यू के रिप्लाई में आप उन्हीं से सवाल कर रहे हैं, आप ये पूछ रहे हैं कि मैं किस सिचुएशन का जवाब दूँ, यानी जो आपसे पूछ रहा है आपका हालचाल वो किस सिचुएशन के बारे में पूछ रहा है। इस तरह से आप उन्हें डिवाइड करके ये रिप्लाई करना चाह रहे हैं, एक तरह से ये सवाल कर रहे हैं, तो ये भी एक सरकास्टिक रिप्लाई है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट हाउ आर यू का रिप्लाई है गोइंग ग्रेट होप दिस स्टेटस को
परसिस्ट फॉर रेस्ट ऑफ द डे, इसका मतलब होता है कि सब अच्छा चल रहा है और आशा करती हूँ या करता हूँ जो सब चल रहा है आगे के दिनों में भी इसी तरह से चलता रहे। यहाँ पर स्टेटस क्वो का मतलब होता है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो चल रहा है सब उसी के बारे में। नेक्स्ट, हाउ आर यू के रिप्लाई में आप कह सकते हैं लिविंग अ ड्रीम, प्लीज़ डोंट वेक मी अप, यानी मैं सपना देख रहा हूँ, प्लीज़ मुझे मत जगाओ। ये एक फ़नी रिप्लाई भी है, अगर आप मजाक के मूड में हैं तब भी आप इस तरह से बोल सकते हैं, या फिर अगर आप अपने बारे में नहीं बताना चाहते किसी को कि आप कैसे हैं तब भी इस तरह से बोलकर आप बात को टाल सकते हैं। अगला है वेल इनफ टू चैट विद यू इफ़ यू विश टू, यानी आपके साथ चैट करके अच्छा फील करता हूँ, अच्छा हो जाता हूँ अगर आप चाहो तो, यानी अगर आप चैट करना चाहो तो। तो यहाँ अगर आप किसी के साथ चैट करने में इंटरेस्टेड हैं, यानी किसी से बात करना पसंद करते हैं और उसने ही आपका हाल पूछा है, तो आप यहाँ पर उसको मौके पे चौका मार सकते हैं और उससे चैट कर सकते हैं, या फिर उससे इस तरह से आप परमिशन ले सकते हैं चैट करने की। तो इस तरह से आपने यहाँ पर अपना हाल भी बता दिया और उनसे परमिशन भी मांग ली। अगला देखते हैं डूइंग वेल अनलेस यू हैव इंटेंशंस ऑफ शूटिंग मी, इसका मतलब होता है अगर तुम्हारी इंटेंशन मुझे शूट करने की नहीं है तो सब अच्छा चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी शूटिंग पर डिपेंड करता है कि मैं अच्छा हूँ या नहीं। अगर तुम मुझे शूट कर दोगे तो मैं अच्छा नहीं हूँ, और अगर तुम मुझे शूट नहीं करते हो, तुम्हारी इंटेंशन इस तरह की नहीं है, तो मैं अच्छा हूँ। ये एक फ़नी रिप्लाई है, आप अपने फ्रेंड को इस तरह का जवाब दे सकते हैं। सो गाइज़, ये थे कुछ रिप्लाई हाउ आर यू के। अगर आपसे कोई आपका हालचाल पूछता है तो आप इस तरह की कुछ रिप्लाई अलग स्टाइल में कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।